दोस्तों मैं मरम सिंह मौर्य। सो गाइज मैं मयूर FS1 की यमुना खादर मैं बैठा हूँ और ये आप बोट देख सकते हैं, ये नाव है पानी में रहने वाली। अब पीछे देख सकते हैं जल भराव किस प्रकार है। तो यहाँ पर जो 12 तारीख को बुधवार को इतनी भयंकर बाढ़ आई थी, यानी बुधवार को वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ गया था एकदम, और इतना बढ़ गया था कि लोगों को सामान निकालना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यानी सामान तो छोड़ो, खुद की जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। सो इस समय मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा NGO को लेकर, जो सरकार को लेकर रहेगा कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है फिलहाल में, और जनता अभी क्या परेशानी झेलने वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी वाटर लेवल कम हो गया है, अभी पानी यमुना का सूख गया है, पानी यमुना में भी सूख गया है और ये जो भर गया है वो भी कम गया है पानी, ठीक है, वो निकल गया है। तो यहाँ पर जो NGO थे उन्होंने बहुत प्रकार से सहायता की, खाना दवाई। तो दवाई का मेरे को आज ज़्यादा कहना है कि जैसा कि मैं भी एक, मुझे भी प्रॉब्लम थी, फीवर आ गया था पर कल को, और तो मुझे गोली, मैं दवाई लेने गया था, एक NGO था उसके पास में जब गया तो उसने मुझे दो गोलियां पकड़ा दी, दो गोली, ठीक है, पैरासीटामोल। आप ये बताइए एक गोली से कोई व्यक्ति ठीक हो जाएगा प्रॉपर तरीके से? यदि एक गोली यदि उसी को बुखार में दे दी, उसी को दर्द में दे दी, ठीक है, उसी को सर्दी जुकाम बता दिया, ठीक है। ये जो NGO था वो BJP के साइड से था और केजरीवाल के भी साइड से NGO थे जो मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे थे। तो उनके भी यही सिस्टम था कि वो, उनका भी ये कहना था कि हमें दवा है वो ऊपर से नहीं मिल रही है इसलिए हम आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जब नहीं दे पा रहे हैं तो वो ऐसे कैंप लगाने से बेकार है। जब आपको कैंप लगाने का मतलब ही क्या है कि किसी आपको कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है दवाई लेने के लिए, यदि उसे जो प्रॉब्लम है उसको दवा ना मिल पा रही है पूरी तरह से, तो कैंप लगाना आपका व्यर्थ है, कोई उसका कैंप का मतलब नहीं है। तो आप दिखावा करने से क्या फ़ायदा है? यदि आपने हेल्प की 10 लोगों की, आपने दिखा दिए 1000 लोगों को कि 1000 लोगों को मैंने क्या सहायता की है, ये गलत है। ये एक तरीके से जनता की आंख में धूल झोंकना हुआ और सरकार की आंखों में धूल झोंकना हुआ।